वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। सो आज मैं आया हूँ अपने गांव, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी बर्फ़ है। तो थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से पैदल रास्ता में, तो ये रहा घर, मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ। ये डॉग है हमारा, इसका नाम है टाइसन। दरवाजा कर देते हैं बंद। तो इतनी बर्फ है, ज़्यादा तो नहीं है, ये लगभग 4 या 5 इंच के करीब है। इसने बुखारी चलाई नहीं है, और ये खुद कहाँ है? ओ हेलो, बुखारी जलाई नहीं तूने? पहले बुखारी जलाते हैं, देखते हैं कि इसमें आग थोड़ी सी बची तो है, बट हमें लकड़ी लानी पड़ेगी, लकड़ी थोड़ी सी कम है। तो हम चलते हैं बाहर को लकड़ी लाने। तो चलते हैं लकड़ी लाने पहले। तो सर्दियों में इस तरह से हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखनी पड़ती है। कुछ उधर भी है जो सेब की टहनियाँ टूट जाती है, तो हम उनको जलाने के यूज़ करते हैं। तो इतनी लकड़ियाँ काफ़ी है, तो ले जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी लकड़ी हम ऊपर ले जाते हैं। तो इतनी लकड़ियाँ, ओहो ये इतनी लकड़े, तो हम चलते हैं। आजा बंद। तो आप देख सकते हैं हमारी आग जल गई है, इसको हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम खाना बनाएंगे, हमें काम खुद ही करना पड़ रहा है क्योंकि सभी घर के लोग गए हैं शिमला, तो यहाँ पे हम दो ही हैं। तो खाना खा के हम फारिग हो गए हैं, अभी हम जाएंगे गाय के पास। पहले गाय के लिए पीने के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी उसको देना होता है। तो चलते हैं। आप देख सकते हैं स्नोफॉल फिर से हो रहा है। ये हम यहाँ रख लेते हैं, पहले मुर्गों को दाना देते हैं। यह है कड़कनाथ मुर्गे,
हेलो। और पानी ला दे तुम। आप देख सकते हैं बरस कितनी तेज हो रही है। बस यहाँ पे भी हमने लकड़ियां कुछ रखी है। इसको जो हमने गर्म पानी लाया था उसको हम साथ में मिक्स करेंगे इसमें। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है लक्ष्मी। जितने में गाय पानी पी रही है उतने में साथ ही साथ गोबर भी निकाल देते हैं हम। उधर भी देख, उसने भी, लक्ष्मी ने भी किया है। साथ में लक्ष्मी को भी बर्फ एक तरफ और दाना चुगना एक तरफ। तो अभी हमने गाय को पानी पिला दिया है, अभी हम जाते हैं घास के लिए। घास वो टोली जो मैंने आपको पहले बताया था, वो टोली हमारे लगाई होती है, तो इससे हमको घास निकाल के लाना। तो ये है वो टोली जहाँ पे हमारा घास के लिए सब्जियों के लिए छोड़ रखा होता है। तो इसे निकालना है। फाइनली इसको बोलते हैं पुलटे। दो पुलटे मैंने निकाल दिए, ऊपर से निकाले नहीं जा रहे थे, पूरी टोली हिल रही थी। हमने सोचा कि पूरी टोली नीचे कर रखी। ये लो लक्ष्मी, इसके सींग भी निकल रहे हैं। ये मुर्गों का हट है, ये मैंने बनाया खुद से। कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। इसमें जो पुरानी चादरें थी मैंने उसको यूज़ किया है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाया मैंने अंदर अंदर से। तो फ्रेंड्स, आपने इस ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग विंटर्स में जो है अपने गांव में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो हमारे को आगे विंटर्स में काम आए। तो किस तरह से हम जो है अपने पशुओं को हम फीड करते हैं और लकड़ियों को हम किस तरह से स्टोर करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग आप लोगों सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में इसको शेयर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।